खरगोन के जिला अस्पताल में भोपाल और सागर की 3 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण कर जिला अस्पताल की सुविधाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि शासन की मंशा अनुरूप कायाकल्प टीम के माध्यम से जिला अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसी क्रम में टीम खरगोन पहुंची थी। इस दौरान निरीक्षण टीम अधिकारी डॉक्टर संदीप शर्मा, सागर के डॉक्टर विपिन खटीक ने बताया कि सभी वार्डों में स्वच्छता के साथ साथ सुविधाओं का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार करेंगे और भोपाल स्तर पर अंकों का निर्धारण होगा। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 3 लोगों की टीम आई है। डॉक्टर साहब NHM से स्टेट से आए हैं। मैं DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सागर से हूं और ये हमारे साथ एक नर्सिंग स्टाफ है सागर से। हम लोग जो है कायाकल्प का फाइनल असेसमेंट जो है करने आए हैं। कायाकल्प में आप सभी लोगों को पता होगा कि मेनली हमारा फोकस जो रहता है साफ़ सफाई पे, अस्पताल की साफ़ सफाई पे, क्लिनिक पे, मरीजों को मिलने वाली सर्विसेज पे, और इसमें जो कचरा का प्रबंधन होता है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, साफ़ सफाई होती है, इन्हीं सब के कुछ पॉइंट्स होते हैं, 6-8 आधार होते हैं, उन पे हम इसका आंकलन करते हैं और इसकी रिपोर्ट जो है हम शासन को भेजते हैं। क्या मिला सर यहाँ पर? ये तो पूरी रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद में आपको ये जो अभी वो चीज़ नहीं बता जी, वो जो है हम अभी रिपोर्ट भरेंगे और उसको शासन को भेजते हैं, और उसके पहले जो है डिस्क्लोज़ करना, अभी तो हम ही खुद उसको प्रॉपर जब हम बैठेंगे चेकलिस्ट भरेंगे तभी हम उसका पता चल पाएगा। अस्पताल को अंक देने का जो मापदंड रहते हैं उसमें अस्पताल के जो यहाँ पर मरीजों की जो क्वांटिटी रहती है उसके हिसाब से भी अंकों का आदान प्रदान होता है सर। जैसे कि खरगोन का जिला अस्पताल है, यहाँ पर खरगोन के अलावा अन्य 3 जिलों के मरीजों का भी यहाँ पर उपचार किया जाता है। इसकी वजह से स्टाफ की कमी महसूस की जाती है, तो इन दायरे को लेकर आप किस तरह से इसका आकलन कर पाएंगे? देखिए, हर जिला अस्पताल में एक बेड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर 300 बेड स्ट्रेंथ है, उसी के अनुसार शासन को जो है उसको स्टाफ और सुविधाएं प्रोवाइड कराता है। अब ओवरलोड तो देखिए, सरकारी हॉस्पिटल तो हर जगह पे रहते हैं, लेकिन सरकारी लोगों से लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट देना, और वो लोग करते हैं यहाँ पे, सभी सरकारी हॉस्पिटल्स में यही करते हैं, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने की कोशिश करते हैं, और यहाँ भी वही कर रहे हैं सभी लोग। तो एक रूटीन चीज़ है हॉस्पिटल में साफ़ सफाई और पेशेंट मैनेजमेंट वगैरह, जो बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह रहता है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस, तो ये तो रूटीन का काम है। तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि फाइनल का जब आता है तभी मतलब हम रखते हैं, तो डेली का वर्क है। पर ये होता है कि जब फाइनल एग्ज़ाम होता है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपनी तैयारियाँ रखते हैं, तो हॉस्पिटल ने भी अपना मैनेज किया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उन्होंने मैनेज करी, ओवरऑल अच्छा चल रहा है। अन्य जिला अस्पताल में भी आप शायद गए होंगे, और वहाँ की तुलना में खरगोन के जिला अस्पताल में आपने क्या पाया सर, कुछ कमी या कुछ खूबी? हर फैसिलिटी का अलग अलग होता है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज होते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं, कुछ HR के इश्यूज होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबको एक पैमाने पर नापना, तो ये तो सबका हर हॉस्पिटल के वर्क करने का तरीका भी एक अलग अलग होता है, तो उसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते हैं। पर यह है कि जो मापदंड होते हैं उनके अनुसार हर हॉस्पिटल को अपना काम करना है। क्या नाम, नाम क्या लिखते हैं? मैं डॉक्टर संदीप शर्मा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।